आरएस विभाग के उपयंत्री की मिलीभगत से ठेकेदार की घोर लापरवाही से दुआरी गांव में बच्चों का खेल मैदान अधूरा पड़ा हुआ है। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान तहसील विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुआरी गांव के ऊपर सुभाष नगर पहाड़ में 5 एकड़ में बना खेल मैदान आज 10 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। आरएस विभाग द्वारा बनवाने का दायित्व मिला था, लेकिन विभाग द्वारा न बनाकर ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है और पेटी पर पेटी, ठेका पर ठेका से काम हो रहा है, जो आज 10 वर्षों से लगभग बन रहा है, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। आरईएस विभाग के उपयंत्री और ठेकेदार की घोर लापरवाही का नतीजा ये है कि मिट्टी समतलीकरण का कार्य भी पूर्ण रूप से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें प्रकृति प्रदत्त मौजूद हैं, उन्हें भी जेसीबी और बारूद द्वारा नहीं तोड़ा गया है। उस पर मिट्टी भी नहीं डलवाई गई है, वो अभी भी पूर्ण रूप से उसी तरह दिखाई दे रहे हैं। ग्राम पंचायत दुवारी के सरपंच रिजवान पटेल जी से मैं बात कर रहा हूँ। जानकारी चाहता हूं कि स्टेडियम जो दुवारी गांव में बना है उसका लोकार्पण कब रखा गया है? इस शासन की मंशा के मुताबिक इस स्टेडियम की जो स्वीकृति है सन 2014 में जिला पंचायत अध्यक्ष माया सिंह के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। लास्ट जो मीटिंग चल रही थी शासन की मंशा की, हर गांवों में हर ब्लॉक में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। फिर उनका कार्यकाल बीत गया, फिर हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल जी तिवारी जी विधायक बने, उन्होंने भी इसकी अनुशंसा की और इसके लिए कार्य प्रारंभ करने के लिए आरईएस विभाग को शासन ने सौंपा। अब आरईएस विभाग ने फिर किसको दिया? ठेकेदार को दिया। ठेकेदार ने माने 2016 में इसका कार्य प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ करके 5 साल बीत गए, जो काम भी हो रहा था हम लोग बीच बीच में आया करते थे, सरपंच तो नहीं थे, पूर्व सरपंच थे, फिर भी यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए थे। घटिया निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, ठेकेदार यहाँ कभी आता नहीं था, उससे भी बात करते थे, वो ठेके पर ठेका दे दिया था। विभाग के अधिकारियों को भी बताया जा निर्माण कार्य घटिया हो रहा, वो बोले हम निगरानी करेंगे, जाँच करेंगे, कार्य अच्छा होगा, आप लोग संतुष्ट रहिए। अब ये हम अब पुनः 2022 में पुनः निर्वाचित हो गए। फिर हमारे गांव के खिलाड़ी नवयुवकों ने हमसे चर्चा की कि हमारे गांव में तो स्टेडियम बन गया है, उसका लोकार्पण भी हो और खेल कूद भी हो। वर्तमान में हमारे पास गांव में जो है कई वर्षों से, मैंने 50 वर्षों से खेल कूद प्राइवेट ज़मीन में हो रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जब शासन ने इसमें पैसा खर्च कर दिया, बना दिया, तो हमारी ये मंशा थी, हमारे खिलाड़ियों की, ग्रामवासियों की, सभी की मनसा थी कि इसका लोकार्पण हो, साथ साथ इसके खेल कूद भी हो। और मैंने विधायक जी से भी चर्चा की कि विधायक जी जब इसका लोकार्पण हो तो विधायक कब के साथ हो। विधायक जी ने भी आश्वासन दे दिया है कि विधायक कब के साथ होगा, लेकिन होगा कैसे? बहुत घटिया निर्माण है ये, तो पैदल चलने लायक नहीं होगा, खिलाड़ी खेलेंगे कैसे? स्टेडियम के अंदर घटिया निर्माण क्या है ये आप बताइए भाई। इसका जो फील्ड है वॉलीबॉल के लिए है, फुटबॉल के लिए है, क्रिकेट के लिए है, पैदल चलने लायक नहीं है। इसकी जो दीवारें हैं, बाउंड्री है, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई जगह दरारें हैं, कई जगह बह गया है, पानी की निकासी भी अच्छी नहीं बनाई गई कि पानी का इसका निकासी हो। माने इसमें इंजीनियर ने पूरी लापरवाही की, इंजीनियर की इसमें पूरी लापरवाही मानी जाए, उसमें सही गाइडलाइन नहीं दी कि इस प्रकार से स्टेडियम बनाओ। वर्षों से जानता हूँ कि आपके खेल गतिविधियों में पूर्ण रूप से संलग्न है, क्रीड़ा प्रभारी भी इसके पहले रह चुके हैं, पूरा आप यहाँ पर कई वर्षों से टूर्नामेंटों में आप जो है संचालन करते आए हैं, टूर्नामेंट भी कराए हैं और कई खेलों में आप रेफरशिप भी किए हैं और अच्छी रेफरशिप किए हैं, मगर ये स्टेडियम जो दुआरी गांव को मिल रहा है, लोकार्पण होना है, तो क्या पूर्ण रूप से स्टेडियम कंप्लीट है, सारे गुणवत्ता का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, इसके बारे में आप हमें विस्तृत थोड़ा बताइए। बहुत बहुत नमस्कार। आपने जनहित के लिए जो प्रश्न पूछा है स्टेडियम से संबंधित, तो मैं विनोद कुमार पांडे, सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक, मेरा ये काम ही था खेल कूद कराना और कोर्ट एवं ट्रैक फील्ड इनका निर्माण कराना, और कई जगह स्टेडियमों को हमने अच्छी तरह से देखा है, तो ये स्टेडियम के लिए जगह तो ठीक है, इसकी जो बाउंड्री बनी है, पवेलियन बना है, अच्छा बना है,
लेकिन जो मूलभूत इसमें गतिविधियां होना है खेल, तो उसके लायक ये 10% भी अभी खिलाड़ियों को खिलवाने लायक इसमें नहीं है। बड़ा जोखिम है, इसलिए कि अभी बहुत गड्ढे हैं, कई बीच में तमाम चारों तरफ घूम के हमने देखा तो चट्टाने अभी भी दिख रही हैं, समतल नहीं हैं, इतने बड़े बड़े घास और ये छोटी छोटी पेड़ भी इसमें छोटे छोटे झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कटीलियाँ हैं, कटीलियाँ काटे वाली झाड़ियाँ हैं ये बहुत। अभी हम लोग एक राउंड पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण गए हैं, तमाम जूते के अंदर है, तमाम इतने नुकीले कांटे जंगली हो गए हैं कि उसको निकालना थोड़ा कठिन था। जब तो कैसे जिले के बाहर आप जाते थे तब आप स्टेडियम में खेल कराते थे, खेले भी हैं, अब जब दुआरी में स्टेडियम बन गया है तब आपको कैसा लग रहा? वही तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिख रहा है कि समतल बढ़िया खेल का मैदान होना चाहिए, देखते ही दिल खुश हो जाए, लेकिन देखते ही यहाँ बड़ा दयानक स्थिति लग रही है। लगता है कि ये कोई मवेशियों के चरने के लिए कोई चारागाह है, तो इसको हम कैसे कह दें कि ये प्लेग्राउंड है? इसको प्लेग्राउंड कराने के लिए कम से कम सैकड़ों डंफर इसमें अच्छी वाली उच्च कोटि की बढ़िया मिट्टी पड़नी चाहिए और रोलर चलना चाहिए, रोलर के बाद रोलिंग हो। और ये द्वारा अगर एक्शन लिया जाता है तो अभी इसकी जवाबदारी लोकार्पण के पहले आरईएस विभाग की है, वो इसको पुनः दुरुस्त करा के देना पड़ेगा। निश्चित रूप से आरईएस के अधिकारियों, इंजीनियरों और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अधिकारी, मैं चाहूँगा कि ठेकेदार महोदय जिनको ये बनाने का काम दिया गया होगा उनको यहाँ ले आके स्वतः आए। जहाँ तक हम लोगों ने संपर्क किया, आरईएस के अधिकारी नहीं जानते हैं कि कहाँ बना है, कैसे बना है, तो ये तो बड़ी लापरवाही पूर्ण काम हुआ है। कई बार हम लोग कहते हैं कि उसको चल के देख लीजिए, आते नहीं हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि प्रजातंत्र में ये तृतीय स्तंभ हुआ करता है आपके मीडिया विभाग, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसको आवाज़ उठाते हुए वो आरईएस को और संबंधित ठेकेदार को यहाँ तलब किया जाए। सरपंच साहब भी आएँ, जनता आएँ, यहाँ के हमारे यूथ ब्रिगेड के लोग आएँ जिनको इसमें खेलना है, अपने को फिट होना है, यहाँ आके कहें कि हाँ आप खेलने लायक है, ऐसा यहाँ बना दें तो बड़ी कृपा होगी और मध्य प्रदेश शासन की स्कीम तभी सफल होगी और इसमें बढ़िया बढ़िया एक टूर्नामेंट करा के और इस लोकार्पण हो, ऐसा हम चाहेंगे कि आरईएस विभाग हम लोगों को बढ़िया ग्राउंड बना के इसको दे दे, तब तो फिलहाल। अभी आप लोगों ने एसडीएम को पत्र लिखा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ हाँ, उन लोगों ने ये कहा है कि 8 दिन के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ कितना काम हुआ है, वो जानकारी लेंगे, इसके बाद अपने लोगों को बताने के लिए बोले हैं। तो हम चाहेंगे कि इसमें शीघ्रता करके और अच्छे से पहल करते हुए करेंगे, ठेकेदार को बुलाएं और जब तक स्पॉट पे ना आएंगे अधिकारी लोग, आरईएस के हों चाहे हमारे एसडीएम साहब हों चाहे ठेकेदार जी, यहाँ आएं और देखें कि वास्तव में खेलने के लायक इसको बनाना है, फिर हमारे सरपंच साहब को ये हैंडओवर कर दिया जाए। फिर सरपंच साहब हमारे नवोदित हैं, वो किसी प्रकार की कमी न रखेंगे, लेकिन यदि शुरू में ना अच्छा रहेगा तो कैसे काम चलेगा? आपके सामने बड़ी बड़ी चट्टाने दिख रही हैं, स्टेडियम के अंदर अगर चट्टान है, कोई बालक अगर इस पर खेलता है तो क्या हालत होगी, इसको आप पूरी बात जानते हैं? बिल्कुल, एम्बुलेंस तुरंत बुलाना पड़ेगा और क्या हालत हो जाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। हम लोग खिलवाएंगे बच्चों को तो इसमें साहस ही नहीं करेंगे कि इसमें खिलवाएं, तो चूंकि पहाड़ी अंचल था तो अब हम ये चाहेंगे कम से कम भी एक एक फीट इसमें मिट्टी पड़ना है और फिर बढ़िया रोलर चला के और फिर ये पानी की सिंचाई करा के और हैंडओवर करने लायक है, तब ये बढ़िया स्टेडियम बनेगा। और मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद, आरईएस को तभी हम लोग धन्यवाद दे पाएंगे जब ये खेलने लायक हैंडओवर कर दें। एक बात पंडित जी और है कि पवेलियन के कितना है, पानी के लिए कितना है, इसमें जो ट्रैक होता है रनिंग ट्रैक वगैरह उसके लिए कहीं भी कुछ योजना लिखी ही नहीं है। लागत को आम जनता भी जाने। हाँ, जान जाए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि शासन की पूरी स्कीम है कि जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल खुले शीशे की तरह साफ दिखे, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं चाहूँगा
आरईएस विभाग से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वो सबसे पहले से यहाँ पे एक बोर्ड लगा दें कि कितनी राशि मिली थी और उस राशि से कितने दिन में स्टेडियम बनना था। हम लोग जब पूछते थे ठेकेदार से तो वो बोलते थे कि समय पे बन रहा, समय पे हो जाएगा, है ना, लेकिन समय पे नहीं बना, लेकिन फिर भी बना है, अच्छा बना है, लेकिन इसको दुरुस्त करके ही दिया जाए तो ये खेलने के लायक हो जाए। पानी की व्यवस्था नहीं, पहाड़ी अंचल पे एक तो बनाया गया है, दो टंकियां ऊपर पवेलियन के ऊपर रखी हैं, वो उसमें क्या वर्षा के पानी से एक एक बूंद से भरेगा, पानी की व्यवस्था बोर होना चाहिए, तब तो यहाँ कुछ हो सकता है। शौचालय है क्या स्टेडियम में? शौचालय बना है और बाहर तरफ है वो भी बना है, गड्ढा भी बना है, टैंक बना है, और भी जो जानकारी हमें थी कि ट्रैक इसके स्टेडियम के बाउंड्री के चारों तरफ पक्की रोड बनना था, तो कहीं भी केवल स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी माटी पड़ी है ऐसा लग रहा है, तो उसको भी दुरुस्त करा दें। इसमें हमें जो जानकारी थी कि चार गेट लगना है तो तीन गेट लगा, एक तो गेट और नहीं लगा है, फिर भी जो भी है गेट और तो ठीक है, आगे पीछे भी लग जाएगा, लेकिन इसको कंप्लीट करके दे दें ताकि इसमें इसका उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय, विधायक जी, विधानसभा अध्यक्ष, किसी को भी बुला के, कलेक्टर साहब, आरईएस के अधिकारी, कोई भी, सबको यहाँ पधारें और स्टेडियम का उद्घाटन हो। युवक मंडल द्वारा अभी टूर्नामेंट हाल ही में कराया जाना है तो कब डेट डिसाइड है? हाँ, उसीलिए तो सरपंच साहब और पूरे जन, हमारे खिलाड़ी, हमारे नवयुवक मंडल के सचिव और सदस्य लोग आए हैं कि यदि यहाँ बढ़िया जगह हो तो यहीं पे उद्घाटन और टूर्नामेंट भी हो जाए, लेकिन यहाँ न तो पानी की व्यवस्था है और न मैदान ही समतल है, तो यहाँ होना फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है। नहीं तो आपकी डेट कब तक में है टूर्नामेंट की? तब तक में अगर हमारी स्टेडियम, हाँ, यदि जनवरी के अंदर ये एकदम ठीक ठाक कर दें, अभी समय है, अभी 20 दिन समय है, यदि इतने दिन के अंदर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे जिले के अधिकारी, कलेक्टर और मंत्री मिनिस्टर सब आएंगे, हम लोग धन्य हो जाएंगे। जी पंडित जी, विंध्य भारत के